शुक्रिया खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3,000 शामी दिनार है, आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई, ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3,000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया, ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्ला आलम, मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ, ये बताएं कि सबने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तेदात के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तेदात के मुताबिक मदद की है। जो तंदरुस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तेदात ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर, कोई शको तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3,000 दिनार हो? ना एक दिनार कम ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3,000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। यह रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3,000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ, मैं माल की दहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदाने कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुँच जाओ। इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे, पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदाने सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है, अब तक कारोबार छोड़कर आया हूँ, तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अब तक हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है। ए लोगो, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकअत नमाज पढ़कर आ जाऊँ बंदे खुदा। मेरी नमाज कजा हो रही थी। तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो। देख लिया, बेनमाजी कहीं के, मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है। तुम बेनमाजी, तुम्हारी साथ पूछते बेनमाजी, यहाँ मुसलमान चोर कहीं के। अबे क्या कर रहे हो? वो दोनों लड़ने में मसरूफ है, सारी शलजम मुझे बेच कर मामला खत्म कर दो। ये शलजम बेकार है भाई, ये फरोख्त के लायक नहीं है, मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा, तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे? शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गयी?
गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शर्त पर मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा, ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन अबू खलील, कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील, अरे मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउम्मीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। मामला खराब करने वाले थे वो लोग, इतने अकेले मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है, किसकी है, पूरे 3,000 दिनार क्यों है, हाँ कम क्यों नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कजा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल, हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिशें करता रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी, तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा करती। उसके एवज तुमने क्या किया? खयानत, बहुत खूब। हमने हानि की अयादत करके मिजज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानि की गर्दन तोड़ दें। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3,000 दिनारे शामी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3,000 शामी दिनार
उनके हवाले किए थे। तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की अबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तोड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो। मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो और ना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुकुम चला रहा है। खुदा की कसम इस तोहीन का जवाब इसका खून है। मैं कल काजी शुरे को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की काहे काहे से डरोगे? ध्यान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ऐ फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आसाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। ए मिजाजी भाइयो, हानी कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिजाजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने हानी को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन के तरफदारों का कला कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की हानी इब्ने उरवा मिजहजी से
देरी ना दोस्ती थी। अगर मैं अपने बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानी को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानी और उसका घराना बासर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानी को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासिद के लिए आले कार ना बना सकें। तुम मिस हजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानी को मार दिया है। हानी बीमार है। काश के हानी बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता। अगर तुम हानी को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुर्मती नहीं करते। एक पत्थर किसी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अकलमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानी के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सड़ ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सबके सब हानी के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानी के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानी को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब, अब जबकि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरे मंजूर है? बिल्कुल। काजी शुरे एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल हुक्म काजी शुरे। कल मीसम तम्मार और आज हानी, यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ोहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर आवाम। बज़ाहिर खौफ़े खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि चार आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके कयाम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिस हजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने उसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरागर शख्स की चार रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानी के घर ना ले जाते तो आज हानी की ये हालत ना होती। माजर चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहा की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदार भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूँ कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शक जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिस हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्ते जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इनकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को, जिसे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है, उसे खौफ व खतर के बीच छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदार भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचेदार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ, यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसज ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है,
मगर हानी की हिमायत करना अपना और शियाओं का फर्ज समझता हूँ। हानी का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के कयाम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरूह समझता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस कयाम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने जदे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी कयाम करने का मशवरा नहीं दूंगा, चनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहें तो गुनाहगार नहीं है। सुलेमान कहाँ? मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूँ हबीब। यानी तुम हानी की हिमायत नहीं करोगे? मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी, मैं तुम लोगों के अज़्म में ममानियत नहीं करूँगा। मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मध्य मुकाबले खड़े हो सकते हो, अगर तुम न होगे तो काजी शुरे जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयात की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा। इब्ने ज़ियाद शुरे जैसे हरीफ को दो बार मैदान में नहीं भेजेगा, अगर भेज दे तो बसर व चश्म में आ जाऊंगा। अपने औसे जा, वक्त जाए की बगैर तमाम खबरें मुख्तार तक पहुंचा दीजिए। इब्ने मुज़ाहिर, मस्जिद जाइए और या मंसूर अहमद की आवाज के जरिए साथियों को बुलाइए। इस्राफील ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस, अपना खौत पहन लो, मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का आजम किया है, उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली हैं। कूफे की इब्न वक्त जमात का क्या कहना, वो भी डर जाएंगे, चूहों की तरह इधर उधर फैल जाएंगे। तुम खौफ व कदर के लड़ाकू शख्स हो, तुम खुद ही तो मुस्लिम को झंपा उकसाना चाहते थे, रोज दुआएं करते थे कि मुस्लिम तलवार खींचकर मैदान में उतर आए।
तो वो आ गया। मैं चाह रहा था माकल, मगर इतनी जल्दी नहीं। उमर साद ने अब तक अपने 10,000 अफराद वाले लश्कर को तैयार नहीं किया। उमर साद के 10,000 अफराद वाले लश्कर पर उम्मीद लगाने के बजाय अपने ना देखने वाले बेशुमार हीलों पर तकिया करो। तुम हार क्यों मान गए? डर अकल की दुश्मन है, डरोगे तो अकल काम करना छोड़ देगी। सुनो माकल सुनो, इनकी आवाज साफ वाजह है कि इनकी तादाद बहुत है। ये नारे कम से कम 2-3 हजार अफराद के हैं। 2-3 हजार अफराद उन 12,000 शामी अफराद के मुकाबले में जो कूफे आ रहे हैं, 4 पर 1 होते हैं। तुम शाम के लश्कर पर यकीन कर चुके हो? नहीं, मैं तुम्हारी तदबीर पर यकीन कर चुका हूँ। क्या मैं काजी शुरे को बुलवा लूं? नहीं माकल, नहीं। ये मेहंदी सिर्फ मिजहजियों के हंगामे में रंग ला सकती थी। उस जैसे चाल एक जानी पहचानी तदबीर है। हमें सामरी के बछड़े का दामन थामना होगा माकल। सोना सोना माकल, कह दो खजाने में जितना भी सोना हासिल किया जाए, मैं सोने के मौजे पर ईमान रखता हूं। मुस्लिम ने वाकई कयाम किया है, मैं सोने से कयाम करूंगा। ए कूफा वालों, आप लोगों ने अदब इंसाफ बरपा करने के लिए कयाम किया है, फिस्क व फजूर के खात्मे के लिए आप लोगों ने उन लोगों पर तेल खींची है जिन्होंने वही की बातों को कम वजन करार दिया, झूठ को अपना कर दौलत जमाई, कुफर फैलाया और सितमगर बन गए। उन लोगों ने कुदरत और हुकूमत को हासिल किया लोगों की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि अपने ऐशो इशरत के लिए। उन्होंने इफ्तराह और झूठ की परवाह ना की और गीबत को अपनी तफरी का जरिया बना लिया। नमाज रोजे को रयाकारी के लिए अंजाम दिया और हज को गुर्बत फैलाने का जरिया बना लिया। सुन्नत सैयदुल मुरसलीन को पीठ दिखा दी और सुन्नत जाहिली की तरफ रुक करके गुनाहगार हो गए। गुनाह बेईमानी की एक औलाद है, गुनाह खुदा को ना मानने का एक तल्ख फल है, गुनाह यौमुल जजा पर यकीन न रखने का नतीजा है। गुनाहगार शख्स मौत को फना समझता है, बका नहीं। मौत हक है, मीजान हक है, अदल इंसाफ हक है। ए लोगों, आपने उनसे बैत की है जिन्होंने बराए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर और अपने जद नबी मुरसल की सुन्नत के अहिया के लिए कदम उठाया है। यह गवाही मेरे चचेरे भाई इमाम हुसैन इब्ने अली की है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो फिर अपनी बैत पर साबित कदम रहिए और अपने खुदा के अलावा किसी से मत डरिए कि खुदावंद आप लोगों में से फरमा बरदारों के साथ रहीम और करीम है और आपके नाफरमानों और सरकशों पर जब्बार और कहार है। ए मर्दमे कूफा, हमने आज अपने भाई हानी की हिमायत के लिए कयाम किया है और कुर्सी नशीने कूफा से ये चाहते हैं कि वो अमीरी की कुर्सी छोड़ दे, क्योंकि आज के बाद वो आपकी राय के मुताबिक आप लोगों में किसी किस्म की विलायत नहीं रखता। और ये जान ले कि लोगों की राय के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कोई नतीजा नहीं रखता। इतनी बड़ी मुसीबत रूनुमा हो गई और मुझे अब पता चल रहा है। मैं शर्मिंदा हूं अबू इसहाक। हानी का गिरफ्तार होना और मिजहजियों की दास्तान कल रूनुमा हुई थी, हमारा कल मिलने का तय नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें कहां ढूंढूं। जहन्नुम में तो नहीं चला गया था ना मैं? इस शहर के एक दो कबीलों की तरफ जाते मेरा कुछ अता पता मिल ही जाता। गुरूब के वक्त बता रहे हो कि जनाब मुस्लिम ने कायम कर लिया है।
क्या मेरे पर लगे हुए हैं कि उड़कर जाऊं और रात तक कूफा पहुंच जाऊं? अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी करें और हम नजर कबीलों और तलवारबाजों को मुतला करें तब भी कल गुरु में आफ्ताब तक कूफा पहुंच सकेंगे, और फिर सबके पास घोड़े भी नहीं है। मुझे अपने लश्कर के पैदल चलने वालों के साथ चलना होगा। परेशान मत हो अबू इसहाक, कूफे के हालात मर्जी के मुताबिक हैं। खुदा का शुक्र है कि कूफियों ने जनाब मुस्लिम को कबूल किया। जितनी खिलकत मैंने देखी है वही काफी है कि इब्ने मरजाना के घुटने टेक दे। जनाब मुस्लिम का बहुत दिल चाहता था कि मुख्तार उनके पास होता ताकि फतह की लज्जत से बेबहरा न रहता। जो है कि सुलेमान ने कयाम पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सुलेमान दिली तौर पर कयाम जनाब मुस्लिम पर राजी नहीं था और इसे मकरूह करार दिया था, मगर मना भी नहीं किया। यानी सुलेमान और उसके साथी मैदान में नहीं आए हैं? नहीं, बजाहिर उन्होंने सब्र का दामन थामा है और खामोश हो गए हैं। उन्होंने ये तय किया है कि मौला के कूफे पहुंचने तक तलवार को हाथ न लगाए। जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्ने मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो, जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा, फिर मिलेंगे। खुदाया, तू ही इस पत्थर के हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक ग्रां कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मौजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंदों की बिनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए, मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते के खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। इब्न शस्तुम और तुब इब्न शाब, अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा राय करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र तुम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर, तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा राय करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफरुकबाजी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुरदे खजाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस कयाम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस? जी अमीर।
अपने सिपाहियों का एक गुरो ले जाओ और हंगामाराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना। ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाउज़ुबिल्ला अली की पूजा करने वाले हैं। इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले। और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह। लोगों, शाम का लश्कर इन हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच लें और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाएं। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है। कमानी अबरू वालियों, तेरी जुल्फें कितनी हसीन हैं। ए हसीन होठों वालियों, ए हसीनो जमील परियों और महकती कलियों, ए गुलिस्ताने हस्ती के खिलते हुए फूलों, खुदा ने जब औरत बनाई मबहूद हो गया खिलकत में, आखिर हैफ नहीं है। देखो ना कितनी गलत बात है, अपने घोड़ों की सुमो के नीचे तुम्हें कुचल कर रख दें। उफ, उफ, उफ। गौर से सुनो, अपने इन जाहिल और हट धर्म शोहरों को लेकर अपने कूफे के सखी अमीर के पास ले जाओ कि तलवार दे दें और बदले में सोना ले लें। एलो शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो सोना ले लो, शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो, हाय हाय शमशीर दे दो आए हाय सोना ले लो। ये औरतें क्या रस्सी तुड़वा के भागी हैं? ये सब क्या हो रहा है? मुझसे पूछते हो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ। कूफे के मर्द कुछ कम रुसवा थे कि ऊपर से उनकी औरतों को भी भेज दिया ताकि सारे जहान में हमें बदनाम करें। जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा, जो भी हो ये चाल इब्ने मरजाना की होगी। अब मैं मुख्तार की बात समझ रहा हूँ। इब्ने उसजा, इन औरत नुमा मर्दों से वो खूब वाकिफ था। हैफ कि उसकी तदबीर पर किसी ने कान नहीं धरे। हमें रास्ते बंद करने होंगे ताकि ये औरतें मर्दों तक न पहुंच सके। राम का लश्कर एक झूठ है, एक धोखा है, इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद उनके कासिद को देखा है, वो हम पर मजनीक से आग वाले पत्थर फेंकना चाहते हैं। आओ 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 किसी पुरमन जगह पर चले आओ। मुझ बेवा माँ ने तुझ जदीम को इस दिन के लिए परवान चढ़ाए कि मेरे लिए रोटी लाने का सबब बने। खुदा सलामत रखे, मैं नहीं चाहती तुम्हारा दाग मुझे सहना पड़े। माँ
इसका गुनाह तुम्हारे सर होगा। ये तुम ही थी जिसने मुझे दीन खुदा की नुसरत की लोरियाँ सुनाई थी। अब भी सुनाती हूँ। तो मैं भी तो जहाद करना चाहता हूँ। जहाद तुम्हारे लिए नहीं है, जो कि घर के अकेले कमाने वाले हो, यही हाथ में शाम ठीक है। शकू, तुम्हारी तलवार के वजन जितना सोना मिलेगा। हाय खुदाया, इतना तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। तुम्हारा एक खून का कतरा भी निकलेगा और ठीक ठाक सोना मिलेगा। मैं सोने का हार पहनूंगी। आहिस्ता बोलो हबीबा, आहिस्ता, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने वादा किया था कि जब महल पर हमला करोगे तो गर्दनबंद मेरे लिए माल गनीमत के तौर पर लाओगे। कल रात को ही वादा किया था, नहीं किया था? हाँ वादा किया था, मगर अभी तक महल पर हमला नहीं किया है। आखिर ये कौन सा तरीका है कि अपनी जान को खतरे में डाल के लड़ो बगैर लड़ाई झगड़े के? तुम्हारी तलवार दे देंगे और बदले में सोना ले लेंगे। आपको शर्म नहीं आती इतनी बड़ी दाढ़ी रख के औरतों पर रास्ता बंद किया हुआ है? खुदा की लानत हो शैतान पर। मेरी बहन, किस कब्रिस्तान में जाना चाहती हैं आप लोग? मैदान जंग औरतों की जगह नहीं है। कैसी शर्मनाक हरकत है, अपने घरों को जाइए और फितना मत कीजिए। कौन सा घर शेख? जिसके कपिल को कुर्बानी के मैदान ले गए वो घर नहीं है, जहन्नुम है। आप लोगों को तख्तो ताज की हवस है, क्या हमें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी? अरे अरे अरे, अरे ये कैसे इल्जाम लगा रही हो औरत? कुछ खुदा का खौफ करो, फौश कलामी मत करो। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ, और मर्दों के मामलात में टांग मत अड़ाओ। ए लोगों, कोई सामाजिक औरत की फरियाद को सुन ले, मुझे अपने शोहर को देखना है। इन काफिरों ने हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। खुदा की खुदाई की कसम है, अगर रास्ता नहीं खोला तो अबाया उतार दूंगी, बाल खोलूंगी, सीना चाक कर दूंगी, अपने कपड़े फाड़ लूंगी, ताकि तुम जैसे बेदीन और काफिर को रुसवा करूं। हट जाओ, सामने से हट जाओ। शर्म करो औरत, वापस आओ। किस बात से शर्माओ बेहर? तो मैंने कौन सी बुराई की है? तुम शर्म करो कि औरतों पर तलवार लिए खड़े हो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाओ। हट जाओ भाइयों, तुम लोग मर्द हो, इन औरतों के मद्दे मुकाबले नहीं खड़े हो सकते तुम लोग। इनसे निमटने के लिए हमें कोई नामर्द ढूंढना होगा जो इन खालिस कूफी जुबान दराज औरतों से मुकाबला कर सके। तुम मारे जाओगे तो मैं तुम्हारे यतीमों को कैसे पालूंगी? मुझे बताओ मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो, हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीन खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीन खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीन खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है, जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। दस पंद्रह अफराद रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं, शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं।
आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुक करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो? क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है तो फिर क़िबला उस रुख पर ही होगा ना? या अमीर, मैदान में परिंदा भी पल नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, क़िबला किस तरफ है? क़िबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिंह पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिंह पर तो मशरिक पड़ेगा ना? ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊँ आप पर, जहाँ तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। बहुत अच्छे, अगर हंगामा राय करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ ये अच्छा नहीं। जिस जिस को वजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि क़िबला किस तरफ है? आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। قد قامت الصلاة نیت کیجئے تین رکعت مغرب کی نماز بجا لاتا ہوں حاضر پیش امام امیر عبید اللہ ابن زیاد کی اقتدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं कजाए इलाही से कद्रे इलाही की तरफ जा रहा हूं।
मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए। नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे? शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई? गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शर्त पर मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा, ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन अबू खलील, कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील, अरे मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउम्मीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इतने अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है, किसकी है, पूरे 3,000 दिनार क्यों है, हा? कम क्यों नहीं है, ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कजा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है।
تاکہ بزرگان قوم بہانۂ عیادت حانی مسلم کا دیدار کرے اور ہمارے خلاف نت نئی سازشیں کرتا رہے اور کوئی شک نہ کرے. تم پر فدا ہو جاؤں ہانی، تمہارے حق میں عزت و احترام کی انتہا کرتی، اس کے عوض تم نے کیا کیا؟ خیانت؟ بہت خوب، ہم نے ہانی کی عیادت کر کے مزج قبیلے کا منہ ایسے بند کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس بات کا حق دیں گے کہ ہانی کی گردن توڑ دیں. میں ہوں جناب ہانی، ہمسی مجاہد. 3000 دینار شامی، کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے گھر میں جناب مسلم کے حضور میں نے 3000 شامی دینار ان کے حوالے کیے تھے؟ تمہارے پچھلے جھوٹ کو میں نظر انداز کر دوں گا اس شرط پر کہ اب سچ بولو. میری رائے وہی ہے جو تم لوگوں نے سنی، میں تم لوگوں کے عزم ممانعت نہیں کروں گا. مگر تم ہی تو ہو جو قاضی شورے جیسوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہو. اگر تم نہ ہوگے تو قاضی شورے جعلی حدیثوں، جھوٹی باتوں اور وحی کے آیات کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو سست کر دے گا. ابن زیاد شورے جیسے حریف کو دو بار میدان میں نہیں بھیجے گا، اگر بھیج دے تو بسر و چشم میں آ جاؤں گا.